और वही सागर में कांग्रेस ने जोर शोर से बीजेपी की प्रदेश सरकार के खिलाफ बिगुल तो फूंका, लेकिन उसकी एकजुटता की पोल मंच पर ही खुल गई। मंच पर कार्यकर्ताओं के चढ़ने की होड़ लग गई और इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट भी की। बीजेपी पर हमला बोलने आए दिग्विजय सिंह पूरे समय कार्यकर्ताओं को ही डांट रहे। कोई नारा सारे नारे बंद करो, बंद करो नारे, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, सब लोग नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, सारे मन से नीचे उतरिए। सागर में तमाम कांग्रेसी नेता जमा हुए तो लगा कि कांग्रेस ने बीजेपी से आर पार की लड़ाई लड़ने की ठान ली है, लेकिन थोड़ी ही देर में कार्यकर्ता अपने रंग में आ गए तो नेताओं को भी लेने के देने पड़ गए। अपने अपने नेताओं के नारे लगाती कार्यकर्ताओं की भीड़ मंच पर चढ़ गई तो बेचारे नेताओं को ही नीचे आना पड़ गया। कार्यकर्ताओं को संभालने की कमान दिग्विजय सिंह ने ही संभाली, पर उनकी भी किसी ने नहीं सुनी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, कोई नारा नहीं लगाएगा। माननीय अध्यक्ष जी तो कोई मंच पर नहीं बैठेंगे, केवल जिसको भाषण देने आना है वो मंच पे आएगा, हम लोग सब नीचे बैठेंगे। ये क्या तरीका बना रखा आप लोगों ने, इस तरह से सरकार आपकी नहीं बनेगी। माला और फोटो, माला और फोटो, माला और फोटो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बैठिए सब लोग बैठिए, इतनी बार मैंने आपको कहा हुआ क्यों खड़े हुए आप, शर्म नहीं आती। किसी तरह से हालात कुछ संभले तो कार्यकर्ताओं के बीच जंग छिड़ गई, जमकर लात घूंसे चले। ऐसा लगा कि फ्रीस्टाइल की कुश्ती हो रही है, नेता लाज बचाए बैठे रहे, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। गूंज रही थी तो बस गालियां, दिग्विजय सिंह मंच के नीचे से ही कार्यकर्ताओं को डांटते रहे और कार्यकर्ता जूतम पैजार करते रहे। कोई नारा नहीं, सारे नारे बंद करो, बंद करो नारे, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, सब लोग नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, सारे मन से नीचे उतरिए। मुश्किल से हालात संभले तो कांग्रेसी नेता मंच पर एक दूसरे को हाथ पकड़े एकता का संदेश देने लगे। ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले हुई मारपीट का उन्हें कुछ पता ही नहीं। खैर, ऐसे ही जोश के साथ कांग्रेस 2013 का चुनाव लड़ने जा रही है और बकौल कांतिलाल भूरिया और दिग्विजय सिंह सरकार भी बनाने जा रही है। सैयद इसरार हुसैन, सहारा समय, सागर।